दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो अल्टरनेटर था, जो ये अल्टरनेटर सुधर है, ये दोबारा नया आ गया है। उससे भी पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि आखिर ये फूकता क्यों है और इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे ये फूक जाता है। चलिए ज़रा मैं कुछ एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको। ये इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। अब ऑयल का लेवल रहता है यहाँ तक का, जो हिमालयन गाड़ी है इसके अंदर जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, इसका ऑयल का लेवल रहता है नीचे यहाँ तक। अब ऑयल का लेवल यहाँ तक रहता है जिसकी वजह से ऑयल पूरा प्रॉपर जितना यहाँ आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये ऊपर की साइड की कॉइल गर्म होती है, यहाँ की कॉइल गर्म होती है, ये रहता है ऐसे करके, ये ऊपर की साइड की गर्म रहता है, नीचे थोड़ा बहुत तेल चले जाता है और बाकी कवर से ढक जाता है, जिसकी वजह से ऊपर की साइड की कॉइल जल्दी फूक जाती है। यही है, फिलहाल हमारे पास नया आ गया है। और इसका सोल्यूशन क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपके पास हिमालयन है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में भी ना हो ऐसा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में ऐसा ना हो, तो नॉर्मल तेल जितना रहता है 2.5 लीटर, हमें क्या करना है, उसे थोड़ा सा ऊपर रखना है, अप 250 ग्राम और ऊपर रखना है। अगर हमारी गाड़ी में 2.5 लीटर पड़ता है तो हमें 2.75 करके रखना है, 2.75। यस, ये फिलहाल आ गया, ये मिला हमें 2100 रुपये का और बाहर से मंगाना पड़ा, जल्दी पहुंच गया। तो फटाफट इसको फिट कर लेते हैं, इस कवर के अंदर फटाफट फिट कर लेते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं कि जो स्टार्टिंग चार्जिंग सिस्टम था वो कंप्लीट हुआ यार, स्टार्टिंग इसकी कैसी रही, ठीक है। जल्दी दिखाएंगे इसको, जल्दी से हम फिट कर लेते हैं। तो इसको लगा दिया है देखिए, ठीक है, अब इसको फिट कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बिल्कुल इजी है, इसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए गाड़ी फिट हो चुकी है और एक बार स्टार्ट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि बैटरी चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। मेरे पास मल्टीमीटर है, हमें अभी 20 वोल्ट में, मतलब बैटरी हमारी 20 वोल्ट के अंदर ही आती है। यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, स्टेप दिखा दिए 12 वोल्ट 75 एम्पियर। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो यही है हिमालयन की सबसे बड़ी खूबी और ख़ासियत। और भी मतलब अगर मैं वीडियो दिखाऊंगा, इस हाल ही में मेरे पे एक वीडियो आया था जिसके यहाँ से चेचिस क्रैक हो गया, ठीक है। और आपने राजस्थान की एक गाड़ी थी ब्रांड न्यू, मतलब 2 महीने भी नहीं हुए थे, जिसकी वायरिंग यहाँ से जल के फूक गई। मतलब इस मेरा हिमालयन के ऊपर वीडियो बनाने का मन नहीं था, पर ये सिर्फ इसीलिए बनानी पड़ेगी कि शायद कंपनी इम्प्रूवमेंट करे, क्योंकि हिमालयन एक ऐसी गाड़ी है, इंसान 1,70,000 रुपये खर्च करता है, 76,000 रुपये खर्च करता है, तो उसको तो मेक्योर अच्छा तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए। यही था, इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाया। मेक्योर वीडियो आपको पसंद आएगा,
कुछ नॉलेजेबल लगेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।